Beta eyes. देखिए ये नहर है और उधर से आती है जो कि रोड सीधा उस तरफ उसका मुहानी है, लेकिन ये जो पुलिया बनाया गया है एकदम जो है कि उसके विपरीत बनाया गया है। यहाँ पे विपरीत बनाने का मतलब ये है कि हमेशा जो है कि यहाँ पे एक्सीडेंट होता है। फिलहाल में मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को कि ये देखिए पूरा प्रधानमंत्री के योजना से जो है कि ये बना रोड। अब देखिए प्रधानमंत्री जी इस वीडियो के माध्यम से आखिरकार नहर पे जो पुलिया बना है उसका घटिया निर्माण किस तरह से हुआ है, देखिए आप देख लीजिए ये। उसके बाद ये देखिए, मैं उखाड़ नहीं रहा हूँ, ये देखिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इधर से जो है कि रास्ता आता है और सीधा उस तरफ का वो उसका मुख है, लेकिन इसे पुलिया इस तरह से पहले से बनाया हुआ है यह पुलिया, हालांकि लेकिन इसको चौड़ा नहीं किया गया। उसके वजह से अब देखिए ये गाड़ी आ रही है, इसको जो है कि मुड़ाने में दिक्कत होगी। और उसके बाद जो है कि अगर तेज रफ्तार से रहेंगे तो उधर चले जाएंगे, और अगर जो है कि नहीं दिखाई दिया तो उसको मोड़ने में इसमें जो है कि जाकर लड़ जाते हैं, उनकी एक्सीडेंट होना पक्का है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी ऐसे जो पुलिया है उनको चौड़ा करके और शुद्ध सही तरीका से बनाया जाए कि ताकि एक्सीडेंट ना हो। बहुत जो है कि पुलिया टूट चुकी है इधर से भी, और इधर से आने वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं आकर जो है कि इसमें लड़ जाती हैं सब। और उसके बाद इसको रंग पोत के अब पता ना पैसा उतार लिए हैं कि क्या किए हैं उन लोगों का, वो लोग बताएंगे। लेकिन अब देखिए इधर से रोड सीधा उधर से आ रहा है, और आने के बाद यहाँ पे जो है कि टर्निंग है यानी मोड़ है, और उसके बाद जो है कि इधर से गाड़ी जो भी आती है इधर आके इसमें लड़ जाती है, चाहे इधर लोग गिर जाते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों से पता चला है तो वो लोग बताएं कि इसमें अभी तक किसी की मतलब कि हादसा में जो है कि मौत नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर गोड़ हाथ जो है कि टूट जाता है। और ये जो नहर है इस तरह से आ रहा है, यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जब इस रोड को बनाया गया तो इस पुलिया को चौड़ा नहीं किया गया। कितना भ्रष्टाचार है उसमें हम दिखा रहे हैं आप लोगों को। देखिए कम से कम ये 12 से 13 फुट का रास्ता है, लगभग 12 से 13 फुट का रास्ता है, और उसके बाद इसको चौड़ा नहीं किया गया। उतना ही जितना रोड है उतना ही इसकी पुलिया का जो है कि चौड़ाई भी है। अब देख लीजिए यहाँ पर भी, यहाँ पे गड्ढा है, और इस पे उसके बाद अगर इधर से कुछ भी आता है तो दो चक्का चाहे जो है कि अन्य वाहन जो भी आएंगे इसी में जो है कि पलट जाएंगे, और उनका जो है कि हादसा होना उनके साथ जो है कि लाजमी है। अब इस समय ठंडी का समय चल रहा है, कोहरा है, आप लोग देख ही रहे हैं, और उसके बाद आएंगे इधर से तो कितनी जाने जो है कि चली जाती हैं इसी तरह से इन छोटी छोटी गलतियों से। कितने गाड़ी कहाँ के रहने वाले? यही का, यही के। कितना गाड़ी गिर गए सुना? अरे गिनती नहीं है। हाँ, आप लोग निकालते भी होंगे? ट्रैक्टर पलट जाता है इसमें, चलते गाड़ी कूद जाती है। क्या करे के चाहिए? बनवाना चाहिए। हाँ, पुलिया के और चौड़ा कर चौड़ा करना चाहिए, थोड़ा सा और चौड़ा हो जाता तो काम हो जाता। हाँ, हाँ। देखिए जितना भी रोड बनाया गया है हाईवे पर, यहाँ तक ये तो नॉर्मल रास्ता है, लेकिन हाईवे की मैं बात कर रहा हूँ, जितना भी हाईवे पे बनाया गया रास्ता चौड़ीकरण किया गया है, वहाँ पे पुलिया का जो है कि चौड़ीकरण नहीं किया गया है, उसी पे जो है कि उसको दोहरा के यानी कि फिनिशिंग मार के पैसा उतार लिया गया है। हर जगह का यही काम हो रहा है। और देखिए सिंचाई विभाग का यह जो है कि काम है, सिंचाई विभाग को इस पर ध्यान देकर जो है कि पुलिया को जो है कि चौड़ीकरण करवाना चाहिए, क्योंकि